हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ अपने मंदिर के छोटे से गार्डन में, जो मंदिर के पीछे हमारा गार्डन बना हुआ है ना, छोटा सा ही गार्डन बना रखा है। तो ये गुड़हल जो होती है हिबिस्कस, उसका पेड़ है। और ये जो आप पत्ते देख रहे हैं ना, ये जो होती है नीम गिलोय, तो नीम पे चढ़ा रखी है। तो ये नीम गिलोय है, इस टाइम ये बहुत काम आ रही है। इस कोरोना के टाइम में इसका काढ़ा बना के पिया जाता है। और ये जामुन, छोटे छोटे पेड़ यहाँ पे है, गुड़हल का है, ये गुड़हल का है शायद। और ये केला है, तो ये वो वाला नहीं, इस पे फल आते हैं, इसकी पूजा की जाती है, तो वैसा ही है। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये तुलसी का बिरला है, इनकी यहाँ पे पूजा की जाती है, क्योंकि ये मंदिर के साइड में ही है ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा आपको एक बार दिखाती हूँ। ये कनेर है, ये पीले पीले फूल रखे हैं, कनेर तो काफ़ी खड़ी हैं इधर, बहुत सारी हैं। और ये जो पेड़ है ना, ये जो पौधा है, ये रात की रानी का है। शाम का टाइम है तो बस फूल खिलने वाले हैं, ये रात की रानी का है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से फूल खिल रहे हैं, कली भी निकल रही है। मैंने कहा एक बार आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ ये वाला हिस्सा आपको कभी नहीं दिखाया है पहले, ये शायद मुझे पता नहीं है। और छोटे मोटे से पेड़ हैं, बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ मंदिर की साइड ये छोटा सा एक केला है, दो केले हैं, बड़ा भी है। उसके बाद फिर ये शाम का टाइम है, यहाँ पे बना रहे हैं पनीर की सब्ज़ी। और पनीर की सब्ज़ी मैं ही बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने बोला बुआ आप ही बनाओ। और तो यहाँ पे मैंने किया है इसमें घी। मैं पनीर की सब्ज़ी या तो आप घी से बनाइए या रिफाइंड से, कोई भी, सरसों के ऑयल में ठीक नहीं बनती है पनीर वाली सब्ज़ी, तो मैं अक्सर घी से ही बनाती हूँ, या मक्खन से भी बना सकते हैं। तो जैसे घी गर्म हो जाएगा तो मैंने डाला है इसमें जीरा, और जीरा जैसे ही तड़के का तो मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने टमाटर प्याज वगैरह ये सब पीस पास के रख लिए हैं, टमाटर प्याज, उसमें हरी मिर्च है एक। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने एक चम्मच डाला है बेसन। आप भी मेरे इस तरीके से सब्ज़ी ट्राई करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये टमाटर वगैरह और प्याज वगैरह मैंने पीस लिए थे, इसमें दो टमाटर थे, दो प्याज था, थोड़ा अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्ची ये थे। तो इसको पीस के जैसे ही और बेसन हमारा भुन जाएगा ना, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बेसन हमें एकदम जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा भुना। आप देखिएगा एक चम्मच बेसन से आपकी सब्ज़ी की ग्रेवी इतनी गज़ब बनेगी ना, इतनी अच्छी। इसमें कोई आपको काजू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या कोई और चीज़, तो ना मावा ना कुछ। तो इस तरीके से आप बना के देखना। इसको हम भून लेंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में हम डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। सिंपल से जो डेली के मसाले होते हैं सब्ज़ी में डालने वाले, वही डालूंगी और कुछ अलग से नहीं डालूंगी। तो ये हम डाल देंगे इसमें। अब इनको अच्छे से मसाले को भून लेंगे। बस यहाँ पे मसाले को ऐसे हमें भूनना है कि कढ़ाई हमारी छोड़ने लगे। जो कि मैं हमेशा बताती हूँ, मसाला जितना अच्छा हमारा भुनेगा उतने ही सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर ऑयल दिख रहा है ना, और थोड़ा बेसन की वजह से, और ये इंडक्शन पे बना रही हूँ ना, थोड़ा सा तेज़ हो गया था, मैं इसको कम कर रही थी, थोड़ा लगने लगा था बेसन है ना, इसलिए इसको लगातार चलाते रहना है। अब हम जैसे ही मसाला हमारा भुन जाएगा ना, ऊपर ऊपर ऑयल दिखेगा, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करेंगे मलाई, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालेंगे, बट थोड़ा सा ये है कि इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैंने मलाई डाल दी है, मलाई डाल के भी मैं थोड़ा सा इसको और भूनूंगी, जिससे कि ऑयल इसमें ऊपर दिखने लगे। इतना है, फिर से दोबारा मुझे भूनना है। और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा। वो इसीलिए बनी है क्योंकि जितना हम मसाले को अच्छे से भून लेते हैं ना, जलाना नहीं है बट अच्छे से भून लेना है, तो सब्ज़ी का टेस्ट खुद ब खुद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारी देखिए सब्ज़ी की ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है ना, थोड़ी सी भाप आ गई है यहाँ पे। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक। मैंने पहले नमक नहीं डाला है, आपको पता होना चाहिए, मैंने नमक नहीं डाला था, अब मैंने नमक बाद में ऐड किया है। तो नमक डालने के बाद फिर थोड़ा सा इसको, क्योंकि नमक डालने के बाद ना सब्ज़ी पानी छोड़ती है, थोड़ा सा गीली हो जाती है, तो फिर से इसे भून लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो पानी अभी मैं ऐड करूँगी बाद में, थोड़ा सा उसको और भूनूंगी, क्योंकि नमक डालने के बाद पानी सा छोड़ देती है ना, तो थोड़ा पनीलापन आ जाता है सब्ज़ी में, एकदम अच्छी सी टेस्ट नहीं आता, जो कि मुझे पसंद नहीं है पनीला पनीलापन सा सब्ज़ी में आना। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने ऐड किया है इसमें पानी। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, कम या ज़्यादा। वैसे सब पनीर की सब्ज़ी में थोड़ा पानी कम ही सही लगता है, थोड़ा सा गाढ़ी सी सब्ज़ी अच्छी लगती है, पतली नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और पानी ऐड करने के बाद अब हम सब्ज़ी को उबाल आने तक इसको खोलाना है सब्ज़ी को। पनीर अभी भी इसमें नहीं डालेंगे, जब सब्ज़ी हमारी अच्छे से बॉयल हो जाएगी ना, तब हम इसमें पनीर डालेंगे। तो इसके इसलिए हम इसको ढक के रख देंगे।
और जैसे ही सब्जी में उबाल आ जाएगा, अच्छे से सब्जी हमारी उबल जाएगी, फिर हम इसके बाद इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पनीर ऐड कर दिया है। एक्चुअली मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, पनीर मैंने डाल दिया था। तो पनीर मैंने कच्चा ही डाला है टुकड़ों में काट करके, आप चाहे तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बट पनीर ऐसे ही खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है कच्चा ही। तो यहाँ पे सब्जी हमारी बनके रेडी है बिल्कुल। आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अभी आई हूँ मैं छत पे, शाम का टाइम है, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बारिश पड़ के चुकी है। और बताइए आप सब कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार। हम तो वीडियो के थ्रू बता देते हैं आपको हम कैसे, बट आप लोग कमेंट के थ्रू बताया करो कैसे हो। और आज थोड़ी सी आपसे कुछ बात करनी थी, ऐसी मैं बैठ जाती हूँ पहले तब आपसे बात करूँ। ये मुझे ना किसी ने बोला भी था कि आपके जो पेड़ है ना छत पे, उस वाली छत पे भी पेड़ है, और बट यहाँ मुझे बैठना अच्छा लगता है क्योंकि ये बिल्कुल एकदम घना सा बरगद का पेड़ है। और आज आपसे कुछ बातें करनी है मुझे, और बातें करनी है, देखो मेरे आज ना कान में कुछ नहीं पहना, मुझे क्या है ये टॉप जो होते हैं ना उनसे कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है, ऐसे खुजली जैसी और होने लग जाता है, पक्के से हो जाते हैं, उतार दिए थे मैंने आज। और आज मुझे बात करनी है आप लोगों से, वैसे कोई खास सीरियस भी बात नहीं है, पर हाँ है यार, हम यूट्यूबर्स के लिए है, क्योंकि जब जैसे कि आपको सबको पता है कि देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा को मैं पसंद करती हूँ और मेरी फेवरेट भी हैं वो, मैंने कई बार उन पर वीडियो भी बनाया, उनके फेवर में बनाया है। तो वही चीज़ है, जैसे कि आजकल वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हैं, और साइबर क्राइम भी होके आई थी, मैंने उनका वीडियो देखा था, साइबर क्राइम होके आई हैं वो, तो उन लोगों ने उनको बताया है कि या तो कोई जो उनको परेशान कर रहा है, यूट्यूबर भी हो सकता है, हम में से भी कोई एक हो सकता है। और देखो कितनी प्यारी सी आवाज़ चल रही है ना, अच्छा लगता है इधर बैठना। और कोई वैसे भी हो, उनके घर का भी हो सकता है, यानी मैं तो एक चीज़ जानती हूँ कि जब इस तरह की कोई हरकत करता है ना तो वो कोई जानने वाला ही हो सकता है, यूट्यूबर्स का मुझे नहीं लगता कि यूट्यूबर्स हो सकते हैं, और आप लोग बताइएगा कौन हो सकता है। और आजकल बहुत ज़्यादा उन पे हेट कमेंट आ रहे हैं कि तुम घमंडी हो गई हो, तुम कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। तो यार देखो समझना चाहिए, जो इंसान शुरू से हम लोग के साथ अपनी हर बात शेयर करता आ रहा है, हर बात शेयर करता है, ठीक है, तो जब थोड़ा सा काम का बोझ बढ़ जाता है तो हो जाता है कि कमेंट का रिप्लाई कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ उनके साथ हो गई है, जैसे उन्होंने अभी बिजनेस भी शुरू किया है सूट का, तो थोड़ा बिजी भी हो गई है। जब हम एक चैनल चलाते हैं तो हम बिजी हो जाते हैं, तो उनके दो दो चैनल भी चल रहे हैं, और थोड़ा सा वो टेंशन में भी हैं, यानी थोड़ा सा उनको इस चीज़ से भी, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं हो रही हैं उनके साथ में, तो उस चीज़ से भी थोड़ी सी परेशान है, तो नहीं रिप्लाई कर पाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग गाली गलौज दें, गाली गलौज पर उतर आए तो ये भी अच्छा नहीं लगता है ना। देखो मैं अपनी मन की बात कह रही हूँ, क्योंकि भाई हम जब किसी को पसंद करते हैं तो अच्छा नहीं लगता उसके बारे में कोई कुछ कहे या हो, और फिर जब हम अपने सोशल मीडिया पे अपना आप ब्लॉग शेयर करते हैं तो सारी बातें भी आपके साथ शेयर करते हैं। और आजकल इतने सारे उनके पास कमेंट आते हैं कि मैं खुद देख रही थी, मैंने कहा देखो भाई ये कैसी बात हुई। तो फिर ये भी बात है, मैं भी ये देख भी रही थी उनके पास कई सारे ये कमेंट आए कि हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ये कौन सी बात हुई। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो देखो कभी कभी हो जाता है, हर दिन एक चीज़ बताओ आप, व्लॉग में क्या होता है, व्लॉग में घर का दिखाना, खाना पीना, वही चीज़ होती है। तो जब आप देखते आ रहे हो फिर डेली कोई चीज़ नई नई तो नहीं हो सकती ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वही चीज़ हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। और कौन सी व्लॉगर आपको कुछ नया दिखा रही है, सब वही चीज़ दिखा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको अनसब्सक्राइब कर दो, मतलब हम आपको देखते आ रहे हैं बहुत दिन से लेकिन अब हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि वीडियो में वो बात नहीं रही है, अच्छा नहीं लग रहा तो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मेरी समझ से तो भाई गलत है ये, तब तक आपको अच्छा लगा, आप उनको देखते आए, आप उनको पसंद भी करते हैं और आप उनको अनसब्सक्राइब कर रहे हो, जबकि इस टाइम पे वो कितनी परेशान भी चल रही हैं।
और एक कमेंट ये भी बहुत आते हैं उनके पास ये चीज़ें कि भाभी से झगड़ा कर लिया है आप लोग उन्होंने है ना, भाभी से झगड़ा हो गया है उनका, भाभी को वीडियो में नहीं लाते। तो ऐसी बात नहीं है, उन्होंने क्लियर भी किया है कि भाभी से मेरा कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, जैसे पहले रिश्ता था वैसा अब है। बट हाँ, अब ये चीज़ है कि अब वो वीडियो में कम लाती हैं, तो उन्होंने पहले क्लियर कर दिया था कि मैं अपने परिवार को वीडियो में कम लाऊंगी, मतलब लाऊंगी ही नहीं अपने परिवार वालों को, खासकर ससुराल वालों को नहीं, क्योंकि मायके वालों पे जोर होता है। अभी ससुराल वालों की भी होती है, लड़की अपनी जगह रख के देखिए, ससुराल वालों के साथ इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकती। मायके वालों पर पता नहीं क्यों एक अधिकार सा होता है कि भाई कुछ भी कहो, उन्होंने ये बात कही थी कि मायके वालों को मैं लेके आऊँगी लेकिन ससुराल वालों को नहीं लाऊँगी। कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई रीज़न होगा। एक तो वही चीज़ें देखो, उनको जेठ को लेके जो बहुत सारी बातें हुई थी, तो उनको ये भी लगता है कि उनकी भाभी पे इसका असर बुरा पड़ता है, वो थोड़ा अच्छा नहीं फील करती हैं, उन्हें बुरा लगता है। बुरा लगने वाली बात है कि आप सोशल मीडिया पे बार बार धज्जियाँ उड़ा रहे हो कि इनके जेठ को लेके ये, जेठ को लेके वो चीज़ हो जाती है। तो इस वजह से भी वो नहीं चाहती हैं कि भाभी तक कोई बात पहुँचे तो भाभी परेशान हो, तो ये भी बात है। बस यही बात करनी थी मुझे, मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि देखिए इस टाइम पे उनका साथ हमें देना है और उनका हौसला बढ़ाना, उनको हिम्मत देनी है। ये नहीं कि हम आपको अनसब्सक्राइब करें, तो वैसे ही बेचारी वो इस टाइम थोड़ा सा टेंशन में परेशान चल रही है, साइबर के चक्कर लगा रही है। यहाँ देहरादून बताया था ना, उस दिन भी ओले में गई थी अचानक से, उस पर भी लोगों ने इश्यू बना दिया कि आप टाइटल ऐसे डालती हो व्यूज़ के लिए। तो भाई देखो, व्यूज़ के लिए तो सभी करते हैं, व्यूज़ तो चाहिए, बिना व्यूज़ के कुछ नहीं है। बट हाँ, ये भी नहीं है कि व्यूज़ सभी लोग डालते हैं, वो टाइटल सभी लोग ऐसे डालते हैं ना। तो बस ये चीज़ देखो, व्यू टाइटल का तो ये है कि फिर हम एक चीज़ और मैंने देखी है, मैं खुद अपने ऊपर ले लूँ, टाइटल अगर हम ऐसे सीधे सीधे डालते हैं तो व्यूज़ भी नहीं आते। आप लोग तो भी, आप लोग भी तो चाहते हो ना तड़क भड़क, है ना, आप लोग तड़क भड़क देखना ही तो चाहते हो, सुनना ही तो चाहते हो। तो उन्होंने क्या गलत कर दिया, उन्होंने सही लिखा था, उन्होंने कहा था मैं गई थी देहरादून, अचानक से मुझे जाना पड़ा था बट काम नहीं हुआ था। तो यार मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, देखिए आपको बुरा लगे, किसी को भी बुरा लगे, मेरा कोई एक टारगेट नहीं है भाई कि मैं किसी को टारगेट बना के इस बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने अपने मन की बात आप लोगों के सामने रखी कि एक चीज़ रहती है कि जिसको हम पसंद करते हैं वो परेशान हो थोड़ा सा तो फिर अच्छा नहीं लगता है, यही मैं कहना चाहती थी। तो चलिए अभी मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये ऑरेंज ओरिगेंस कंपनी का ऑरेंज पील पाउडर, संतरे के छिलके का पाउडर है, काफ़ी अच्छा होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए और बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि दाग धब्बे दूर करता है स्किन के, सनटैन को दूर करता है, संतरे से ज़्यादा गुण इसमें होते हैं। इसमें कोई एक केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही एकदम प्योर है। अब वही चीज़ होती है ना कि पहले ये चीज़ कर लेते थे कि संतरे के छिलकों को सुखाना, पीसना, छानना, अच्छे से वो करना, अब वो चीज़ इतना नहीं हो पाती है। तो ये पाउडर आया है, ये एकदम प्योर अच्छा पाउडर है, आप इसको यूज़, मैंने अपने लिए मंगाया है ये, और इसमें नेचुरल हर्बल्स हैं, स्कार्स दूर करता है, स्किन को बिल्कुल साफ करता है, विटामिन सी है इसमें और पिगमेंटेशन दूर करता है, एक्ने दूर करता है, मार्क्स दूर करता है, स्कार्स दूर करता है काफ़ी, और स्किन पर ग्लो भी लाता है, काफ़ी अच्छा होता है ये, और जो रिंकल्स होते हैं ना आँखों के नीचे वो भी सही होते हैं इससे, इसके यूज़ से। तो इसका यूज़ मैं आपको बताऊँगी, इसका पहले आपको प्राइस बता देती हूँ, ये 247 का है बट आपको ये डिस्काउंट पर मिल जाएगा, इस पर काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पाउडर है, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने कहा चलो आपको भी बताती हूँ इसका यूज़ कैसे किया जाता है। इसको कई तरह से यूज़ कर सकते हो, इसकी आपकी सन टैन हो रखी है तो आप गुलाब जल में और ये चीज़ दही से कर सकते हो, दही के साथ इसका पैक बना के लगा सकते हो, और क्योंकि दही सन टैन को दूर करता है, स्किन पर ग्लोइंग देता है, ताजगी देता है, और गर्मी ऐसे आपको दाग धब्बे दूर करने हैं तो आप इसमें नींबू का रस मिला सकते हो या टमाटर का रस मिला के आप इसको लगा सकते हो, या आपको ऐसे ही करना है रिंकल्स वगैरह दूर करने हैं तो आप इसमें गुलाब जल को लगा डाल के ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो देख लीजिएगा ओरिगेंस कंपनी का ऑरेंज पीलो पाउडर, और नज़ारा तो अब देख चुके, मैं आपको और दिखा देती हूँ, देखिए कितनी अच्छी सी मस्त सी हवा चल रही है। यहाँ ये चाची कर रही थी अपने छोटे से फुलवारी ऐसे लगा रखी है उन्होंने, उसकी घास साफ़ कर रही हैं,
वो होता है ना, शौक होता है किसी किसी को, इनको बहुत शौक है ये सब चीज़ें लगाने का। तो अपना चाची भी धरी छत पे ही थी, तो वो भी इधर कर रही थी ये काम। कितनी प्यारी हवा है ना, और बहुत अच्छा लगता है। बारिश पड़ के चुकी है ना, तो मौसम एकदम ठंडा सा हो गया है। शाम का टाइम है, शाम के टाइम बैठी हूँ मैं छत पे। और तो चलिए मिलते हैं आपसे कल एक नए से ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, राधे राधे।